हाय ऑल, वेलकम है आपका समत किचन में। और आज मैं बना रही हूँ अचारी सेम, जो कि हमारी डिब्बा रेसिपी है। आप लंच बॉक्स में इसको ले जा सकते हैं, ड्राई है। और इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी स्पेशल मसाले, तो देखते रहें रेसिपी को। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 चम्मच तेल कढ़ाई में, जिसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया। सरसों का तेल लिया और इसको गर्म कर लिया। और ये 2-4 लहसुन की कलियाँ हैं, जिसको थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है और उसको डाल दिया पहले। और थोड़ा सा इतनी देर तक तलेंगे जब तक खुशबू आ जाए। और ये बड़े कटे हुए सेम हैं, बारीक नहीं काटा है, थोड़ा बड़े बड़े पीसेस में काटा है। तो एक तो इससे टाइम की बचत हो जाती है, फटफट कट जाते हैं। और इनको लहसुन के साथ थोड़ी देर हमें फ्राई करना है, जैसा कि मतलब एक आपको अच्छा सा टेक्सचर डेवलप हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगी। और मैंने ये डाला थोड़ी सी हींग डायरेक्ट तेल में डालने से उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैंने ऊपर से डाला है। और अब ये ऑटोमेटिकली उसके साथ फ्राई हो जाएगा। यहाँ पे डाले मैंने आधी कटोरी मटर, फ्रेश मटर लिए हैं क्योंकि अभी मटर का सीज़न है, बहुत अच्छी मटर आ रही है। तो मटर के साथ भी इसको थोड़ी देर सॉटे करेंगे, ऐसी धीमी आंच पे भूनेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, तो इसलिए आंच धीमी ही रखें। और ये अब देखेंगे आप, थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट भूनने के बाद कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया 1/2 चम्मच हल्दी और ये ज़रूरत के हिसाब से नमक डाला। और इन सब चीज़ों को भी डाल के मिला देंगे। और अब इसके साथ भी इसको ऐसे ही धीमी आंच पे ऐसे ही तलने देंगे, ताकि जैसे हल्दी की महक निकल जाए। आंच को धीमा ही रखना है। और बस अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 बड़े टमाटर और इनको बड़े साइज़ में काटा है, तो इसको भी काट के अब मिला देंगे और थोड़ी देर इसको चलने देंगे, इसके साथ चला देंगे ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से मिल जाए। और क्योंकि हम बना रहे हैं अचारी सेम, तो अब उसमें चाहिए हमको अचार का मसाला। तो मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है खड़ी धनिया 1 चम्मच, राई 1/2 चम्मच, 1 चुटकी मेथी के दाने और 1/2 चम्मच जीरा और 2-3 लाल मिर्च। और इनको धीमी आंच पे भून लेना है और इसके बाद इसको पीस लेना है महीन। आप मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे खल मूसल में इस्तेमाल कर रही हूँ उसका। और इसको थोड़ा सा दरदरा ही पीसें, आप चाहें तो महीन भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे थोड़ा दरदरा पीसा है। और डाल दिया यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच कलौंजी, कलौंजी से अच्छी सी खुशबू डेवलप होती है। तो इसके साथ भी इसको खड़ा ही डालना है, इसको नहीं पीसना है। और अब मैं डालूँगी इसमें ये हमारे जो अचारी मसाले मिलाए हैं, इनको डाल देना है। इसके डालते ही सब्ज़ी में बहुत अच्छा सा टेस्ट डेवलप होगा और बिल्कुल अचार वाली खुशबू आएगी आपकी सब्ज़ी में। तो इसके साथ चला के मिला देना है, आंच को धीमा रखना है। और अब क्योंकि मसाले अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं, तो हम इसको 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे ही ढक के रख देंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे अब 2 मिनट हो चुके हैं, सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ और डाल रही हूँ लंच बॉक्स में। और ये मैंने लंच बॉक्स में डाल दिया। तो इस सब्ज़ी में अगर आप डालना आलू ऐड करना चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं, उसके साथ भी अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि बच्चे आलू ज़्यादा पसंद करते हैं। और साथ में मैंने दी हैं रोटियां, आप चाहें तो पूरी पराठे के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आप मुझे बताएं रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो आपको करना है लाइक और शेयर, और करना है समत किचन को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग समत किचन, टेक केयर।